नमस्कार, पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 6 बजे फेसबुक लाइव के जरिए प्रदेशवासियों से संवाद करेंगे। चौहान बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को पहुंचे नुकसान को लेकर भी किसानों से चर्चा करेंगे। कर्फ्यू और लॉकडाउन में देश के किसी भी हिस्से में फंसे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे लोगों को अपने घर तक लाने की पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश के ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों या किसी दूसरे जिले में फंसे हैं, उनके लिए जरूरी कदम उठा रही है। ऐसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जो 104 और 181 पर फोन लगाकर सरकार से मदद मांग सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना पीड़ित मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 873 हो गई है। इनमें से 79 लोग स्वस्थ हो गए हैं। इससे एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में 724 मरीज मिलने और 17 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक 33 मरीज मिले हैं, जबकि सबसे ज्यादा 15 मरीज इंदौर में हैं। इसके अलावा जबलपुर में 6, भोपाल में 3, शिवपुरी में 2 और ग्वालियर में 1 संक्रमित पाया गया है। इंदौर में 3 दिन में ही 15 पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने 9 इलाकों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये वही इलाके हैं जहां ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लॉकडाउन के बीच लोगों को आज दूरदर्शन पर धारावाहिक रामायण देखने को मिला। इससे लोगों की 32 साल पुरानी याद ताजा हो गई। माना जा रहा है कि ऐसे धारावाहिक लोगों को कोरोना का खौफ कम करने और परिवार में एक अच्छा वातावरण निर्मित करेंगे। पत्रिका की अपील है कि आप घर पर रहें और लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की सलाह का पालन करें, ताकि आप स्वयं, परिवार और समुदाय को सुरक्षित रख सकें।